इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे मीठे आम का नाम लंगड़ा कैसे पड़ा। कहा जाता है कि इसका इतिहास करीब 300 साल पुराना है, जिसका कनेक्शन काशी से बताया जाता है, यानी बनारस से। किंवदंती के अनुसार बनारस में रहने वाले एक साधु ने आम का पेड़ लगाया और उसकी जिम्मेदारी एक पुजारी को दे दी। पुजारी दिव्यांग थे, यानी विकलांग थे, जिन्हें लोग लंगड़ा पुजारी कहकर बुलाते थे। इसी के चलते इस आम का नाम लंगड़ा पड़ गया। लंगड़ा आम को बनारसी आम भी कहा जाता है, जो अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस आम का आकार अंडाकार होता है, जो नीचे से हल्का नुकीला होता है। यह पकने के बाद भी हरे रंग का होता है।